अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं करती हूं सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूं चिकन फ्राई स्ट्रीट स्टाइल की। तो उसके लिए अज्जा नोट कर लें। सबसे पहले आपको चिकन चाहिए, तकरीबन 2 किलो मिक्स चिकन है, और इसमें 2 टेबलस्पून लहसुन के, 2 टेबलस्पून अदरक के, 1/2 कप आपने लेना है दही का, 2 कप भर के आपने लेने हैं कुकिंग ऑयल के, और इसमें हम दालचीनी ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च, कसूरी मेथी, सब्ज मिर्चें, ज़ीरा, बड़ी इलायची, सूखा धनिया, काली मिर्च और सब्ज इलायची। तो हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं, और इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे तकरीबन 14 अदद। बड़े साइज़ के हैं तो 12, छोटे साइज़ के हैं तो 14 अदद टमाटर। इन्हें दरमियान से कट लगा के फिर हम खाने में ऐड करेंगे। तो कुकिंग स्टार्ट करते हैं। वेज 2 कप ऑयल डाला मैंने। ऑयल डालने के बाद मैंने 2 किलो चिकन डाल दिया, और इसको 10 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद अब आपने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक हमने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून साल्ट, टेबलस्पून लहसुन, 2 टेबलस्पून अदरक का पाउडर, अदरक पिसा हुआ, लहसुन अदरक बिल्कुल ताज़ा इस्तेमाल करना है आपने इसमें, और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह लहसुन अदरक और नमक डाल के चिकन को मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऐड करनी है टमाटर। ये टमाटर मैंने दरमियान से काट लिए हैं, और साइड से इनकी ये वाली जो कोने वाली साइड है इसमें ये बहुत देर से गलती हैं, तो मैंने साइड से काट लिए हैं। और आपने ये टमाटर तकरीबन 14 अदद बड़े साइज़ के हों तो 12 अदद, छोटे साइज़ के हों तो 14 अदद टमाटर डाल के आपने इस तरह ही अब इसको तकरीबन आपने ढक देना है, ढक के रख दें ताकि टमाटर नरम हो जाए और इनके छिलके भी आसानी से उतर जाए। अब हम ढक्कन देकर तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। जी व्यूअर्स, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब आपने इसमें 2 कप पानी ऐड कर देने हैं, और इसको पकने के लिए रख दें ढक्कन देकर। जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। जो छिलके हैं ये उतार लेने हैं, हम ये छिलके उतार लेंगे। छिलके उतार के आप साइड पे कर दें। अब आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दें, मिक्स करें अच्छी तरह। इस तरह दम पर रखने से 10 मिनट के लिए हमने टमाटरों को ढक
कंधे के रख दिया ताकि उनके टमाटर उनके स्किन से अलग हो जाए। और अब ये देखें, अब इसमें टमाटरों का छिलका नहीं, ये जो स्पाइसेस हैं जो हमने अच्छी तरह इनका पाउडर बना लिया था, ये पाउडर है, इसमें हमने डाले थे जीरा डाला था 2 टेबल स्पून, सबज इलायची इसमें हमने डाली थी 8 अदद, काली मिर्च डाली थी 2 टीस्पून, और इसमें हमने और ऐड दालचीनी पाउडर 2 चुटकी, बड़ी इलायची 2 अदद, और सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, जीरा भी हमने 2 टेबल स्पून डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था। अब ये मैं सारा मसाला इसमें ऐड कर दूंगी और जबरदस्त स्ट्रीट स्टाइल की ये कढ़ाई है, बहुत खुशबूदार और मज़ेदार यमी होती है। कई तरह की चिकन कढ़ाई बनाई जाती है हर इलाके में, हर जगह में अपने हिसाब से पकाई जाती है। तो ये ऑयल आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने चिकन को फ्राई भी करना था इसलिए मैंने 2 कप ऑयल का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो जब ये फ्राई तैयार हो जाए, चिकन फ्राई तैयार हो जाए, तो एंड पे आप इसका ऑयल साइड से निकाल भी सकते हैं हांडी में। अच्छा जी, अब आपने इसमें तमाम मसाले डाल दिए हैं, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। दमक इसका सेट कर लें। तमाम मसाले डालने के बाद अब आपने इसमें ऐड कर देनी है लाल मिर्च 2 टीस्पून लाल मिर्च, और अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चिकन भी तकरीबन गलने के करीब है, इसको अच्छी तरह आपने पका लेना है। मैंने इसमें पानी ऐड किया था 2 कप भर के, 2 कप कुकिंग ऑयल, 2 कप पानी, जब मैंने टमाटर इसमें ऐड किए तो 2 कप मैंने पानी डाल दिया। अब आपने करना क्या है, इसमें सब्ज मिर्चे जो है, सब्ज मिर्चे ये बड़े साइज की, इनको दरमियान से कट लगा के आपने इसमें शामिल कर देनी है। बिस्मिल्लाह। और एक दो मैं गार्निशिंग के लिए 2-3 रख दूँ, मिक्स करें अच्छी तरह। आपने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखें ऑयल भी तकरीबन ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये तकरीबन पक चुका है। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पर पकने देंगे ताकि चिकन गल भी जाए और पानी भी खुशक हो जाए। जी वैसे अब हम चेक कर लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल बिल्कुल ऊपर आ चुका है, तो आँच में ज़रा और हल्की कर दूँगी। अब आपने आपने आधा कप ऑयल दही का डालना है, दही को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है पहले ताकि इसमें जो बलाई है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। दही को अच्छी तरह मिक्स करें और आँच हल्की कर दें। हल्की करने के बाद आपने इसकी तैयारी के वक्त आपने ये दही ऐड करना है। लास्ट में आपने दही ऐड करना है, जब सालन के ऊपर ऑयल आ जाए ना तो उस टाइम पे आके आपने इसे करना है, जब पानी हो उस वक्त नहीं ऐड करना। सालन बिल्कुल रेडी हो जाए तो फिर आपने दही डाल देना है। दही डालने के बाद अब आपने इसमें ऐड करना है कटी हुई अदरक, बड़ी काट के आपने तकरीबन एक बंच धनिए का थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूंगी, बाकी मैं गार्निशिंग के लिए कर दूंगी। अच्छा, अब आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इतनी ज़बरदस्त कढ़ाई बनी है, मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँ। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है कढ़ाई का।
मैं ये ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, सूखी मेथी। इसको आपने हाथ पे, ये हमने कसूरी मेथी इसमें ऐड करनी है 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसको आपने ऐसे ऐसे करके अच्छी तरह हाथ से मसल कर सारा मिक्स कर देना। ये है इस कढ़ाई का स्पेशल सीक्रेट, जिसकी वजह से ये खुशबूदार, मज़ेदार, टेस्टी, स्पाइसी बनेगी और ऐसे लगेगा जैसे हम बाहरी किसी फूड स्ट्रीट में बैठ के इस कढ़ाई को इंजॉय से खा रहे हैं। चलिए, ये कढ़ाई रेडी है। अब मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूंगी, दम लगा दूंगी। जी बस, हमने हल्की आंच पे रखा हुआ था सालन, अल्हम्दुलिल्लाह सालन रेडी हो गया है। स्टोव ऑफ कर दूंगी और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे।